दोस्तों कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत करते हैं आपके YouTube चैनल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष, हाजिर हूँ बहुत अच्छे से टिप्स के साथ। फ्रेंड्स, आज आपको बताने वाला हूँ एक ये चीज़ कि फेसबुक की पोस्ट, यानी देखिए फीचर्स तो काफ़ी दे रखे हैं, ऑप्शन काफ़ी दे रखे हैं, लेकिन हम लोगों को ज़्यादातर ऑप्शन का नहीं पता होता है। तो बस मैं यही कोशिश करता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन आप यूज़ कर पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा फीचर्स का लाभ उठाएँ। फेसबुक की पोस्ट में एक ऐसा ऑप्शन होता है फेसबुक में कि आप जिस जिस व्यक्ति को ब्लॉक कर देंगे वो पोस्ट, केवल वही पोस्ट, ऐसा नहीं है कि सब पोस्ट कर करूँ, आप सब पोस्ट में भी कर सकते हैं, बाकी एक पोस्ट पर भी कर सकते हैं कि वो बंदा वो पोस्ट उसके पास नहीं दिखेगी। सपोज़ कि आप कोई पोस्ट डालना चाहते हैं और आप चाहते हैं मेरी सिस्टर ना देखे, मेरा भाई ना देखे, तो आप उसको ब्लॉक कर दीजिए, वो उनको शो नहीं करेगी। अब बात करते हैं दूसरे बटन पर। दूसरा बटन ये है कि अगर आप चाहते हैं कि जो पोस्ट है वो केवल उन्हीं लोगों को दिखे जिन्हें आप दिखाना चाहते हैं, तो ये भी पॉसिबल है। केवल उन फ्रेंड को आपको सिलेक्ट करना है जो वही लोग केवल आपकी पोस्ट देख सकते हैं और कोई बंदा आपकी पोस्ट को नहीं देख सकता। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा देर ना करते चलिए शुरू करते हैं। देखिए इसके लिए कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको फेसबुक में जाना है, फेसबुक का एप्लीकेशन ओपन करना है। यहाँ पर आपको सिंपल पोस्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप लोग पोस्ट टाइप करते हैं तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सिंपल विदाउट फ्रेंड ब्लॉक, ठीक है। यानी ब्लॉग का मतलब ये है कि ब्लॉग तो मैं जिन जिन व्यक्ति को नहीं दिखाना चाहता हूँ ये वो पोस्ट आपको बनाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे ऊपर साइड जहाँ पब्लिक दिख रखा है, यहाँ पे आपके पास कुछ लोगों के पास फ्रेंड्स होगा, कुछ लोग फ्रेंड्स और फ्रेंड्स होगा, तो यहाँ मोर पे आप क्लिक कर दीजिए तो यहाँ पे आपके पास कुछ नए ऑप्शन हो जाएंगे। देखिए नए ऑप्शन जो हैं वो है, एक है फ्रेंड्स एक्सेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे लिख के भी है डोंट शो, यानी जो फ्रेंड आप यहाँ पे डाल देंगे उन फ्रेंड को वो चीज़ शो नहीं करेगी। तो सिंपल मैं यहाँ पे डालता हूँ आशीष, जी हाँ आशीष, आशीष नहीं, मैं आपको दूसरा अकाउंट से करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो मैं एक नाम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ हिंदू आशीष और यहाँ ब्लॉक कर देता हूँ इस इंसान को, ये मेरी सेकंड आईडी है, तो यहाँ पर आपको पता लग जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं ब्लॉक कर देता हूँ और पोस्ट कर देता हूँ। देखिए फ्रेंड ने कहा हिंदू आशीष डॉट कॉम, मतलब ये पोस्ट जो है वो नहीं दिखेगी, बाकी सबको दिखेगी, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे पहलू की। दूसरे पहलू में आपको सिंपल क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करना है पब्लिक को, यहाँ पे मोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे नीचे ऑप्शन है ओनली शो टू सम फ्रेंड, बस इस पर क्लिक करना है। ओनली शो टू सम फ्रेंड यानी कुछ फ्रेंड्स जिन्हें आप दिखाना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे कुछ लोगों के सिलेक्ट करूँगा, तो एक हिंदू आशीष राठौर, हिंदू और सचिन राठौर, और एक कुछ और ले लेते हैं, इनको सिलेक्ट कर लेते हैं इस तरीके से। देखिए जितने भी हम फ्रेंड सेलेक्ट करेंगे केवल उन फ्रेंड को ही ये पोस्ट करेगी, तो देखेंगे ओनली सम फ्रेंड। तो ये पोस्ट जो है मैं आपको बता रहा दूसरी आईडी से लॉगिन करके दिखा दूंगा आपको कि जो पोस्ट है वहाँ शो होते ही है कि नहीं हो रही है। देखिए ओनली सम फ्रेंड है और ये था ब्लॉग। अब बात करते हैं इसमें आपके और भी फीचर्स दे रखे हैं। तो जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे मोर पे और सी ऑल पे क्लिक करेंगे तो देखिए दो फीचर आपके और ऑप्शन, एक है बरेली एरिया, यानी केवल बरेली एरिया में ही जितने भी बरेली एरिया का फ्रेंड है वहीं आपकी पोस्ट दिखेगी। और यहाँ पे है एक योर स्मार्ट लिस्ट, यानी आप एक लिस्ट बना सकते हैं, जो लिस्ट में आप डालेंगे ना वही व्यक्ति के पास आपकी पोस्ट जाया करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे इतने ढेर सारे हमें ऑप्शंस मिल जाते हैं फेसबुक की तरफ से, तो काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पे आपको मैं आपको बता दूँ, देखिए सबसे पहले सारे ऑप्शन होंगे, सबसे ऊपर आता है पब्लिक, तो पब्लिक है, पब्लिक में आप पोस्ट डालेंगे तो सभी के पास जाएगी, यानी जितने भी फेसबुक वाले हैं वो सभी यूज़र आपकी पोस्ट को देख सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। आप बात करते हैं फ्रेंड्स की, तो वही फ्रेंड्स पे जाएगी जो आपके फेसबुक फ्रेंड है, केवल वही लोग देख सकते हैं, ठीक है। और फ्रेंड एक्सेप्ट यानी जो भी आपका है उस बंदे को आप ब्लॉक कर सकते हैं, उनके पास वो पोस्ट नहीं जाएगी। और सभी फ्रेंड्स हैं तो इसका मतलब ये है कि आप उस बंदे को डाल दीजिए, जिन जिन बंदे का नाम डालेंगे उन बंदों के पास ही पोस्ट जाएगी और कोई वो पोस्ट नहीं देख सकता। और ओनली मी है यानी वो पोस्ट कोई नहीं देख सकता, केवल आप देख सकते हैं, ड्राफ्ट के तरह से आप सेव कर लेंगे, जब चाहे पब्लिश कर सकते हैं। बरेली एरिया बता दिया, बरेली एरिया में आपको खाली बरेली एरिया पर सेलेक्ट करना है, तो जो बरेली यानी जो भी आपका शहर होगा, ऐसा नहीं सभी का अपना अपना दिखा रहा होगा, जो भी शहर होगा उसी शहर में आपका दिखाएगा। आशीष राठौर एक स्मार्ट लिस्ट है, यहाँ पर आपको लिस्ट बनानी होगी, उसमें बस नाम सेलेक्ट करिए, केवल उन्हीं लोगों को आपकी ये पोस्ट दिखेगी। तो फ्रेंड्स ये जो सेटिंग्स है, ये सेटिंग एक बार आप कर देंगे तो हर बार आपकी यही सेटिंग रहेगी, आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, हर बार आपको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, जल्द हाजिर हूँ नई टिप्स, तो धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, लाइक कर देना, हाँ अभी लाइक कर दीजिए। और आगे मैं आपको बताता हूँ कि दूसरी आई डी से लॉग इन करते हैं। फ्रेंड्स देखिए मैंने दूसरी आई डी से लॉग इन कर लिया है, तो अब मैं सर्च करता हूँ, ठीक है सर्च करता हूँ, फिर मैं आपको देखूँगा जो पोस्ट है ये हिंदू राठौर की आईडी है। तो मैं देखता हूँ यहाँ पे, देखिए भारतीय आशीष राठौर 10 पोस्ट दिखा रहा है, न्यूली देखते हैं कौन कौन सी पोस्ट हैं। तो देखिए एक तो थी सम फ्रेंड वाली, तो सम फ्रेंड मैं आपको बता दूँ तो वो यहाँ पे शो हो रही होगी जहाँ तक, हाँ जी और नीचे। तो देखिए यहाँ पे क्या ओनली सम फ्रेंड्स, यानी ओनली सम फ्रेंड्स है, यानी मैंने इनको सेलेक्ट किया था हिंदू वाले की आईडी को, तो देखिए यहाँ पे वो चीज़ शो हो रही है,
बट जो ब्लॉक्ड है तो यहाँ पे वो चीज़ मुझे शो नहीं हो रही, बाकी सब चीज़ शो हो रही है आशीष राठौर की, लेकिन ब्लॉक वाली वो चीज़ शो नहीं हो रही। क्यों शो नहीं हो रही? क्योंकि मैंने वहाँ ब्लॉक कर रखा था, वो पोस्ट में पता लगी। अब ये फीचर आपके काम आता है, जब भी आप किसी से कुछ छुपा के पोस्ट करना चाहते हैं तो बस वो पोस्ट उस व्यक्ति को नहीं दिखेगी, बाकी सबको देख सकते हैं। और जिस व्यक्ति को आप दिखाना चाहते हैं केवल उस बंदे को आप खाली दिखाएं तो केवल वो पोस्ट उसे ही दिखेगी और किसी को नहीं दिखेगी। तो ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था मुझे इस फीचर का यूज़ करने में। मुझे बहुत खुशी है कि हमें फेसबुक हमें काफ़ी अच्छे से फीचर देता है। आपको भी एक अनुभव हो गया, आप भी इसका यूज़ कीजिए और मुझे बताएं आपको ये वीडियो कैसे लगी। वीडियो अच्छी लगे तो अभी लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले कि बहुत ही काम की चीज़ है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सब्सक्राइब बटन वीडियो नीचे आ रहा है रेड कलर का, उस पर क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। चल हाँ देखो नहीं डरता, तो बल धन्यवाद, वीडियो को शेयर जरूर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना ना भूलें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन आ रहा है, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली अपडेट्स पाते रहिए।